आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। रुक कर लेते हैं खबरों की। योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में तैयारियां की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्र सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। योगी मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सहित विपक्ष दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। सीएम योगी ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट के माध्यम से सीएम ने उन सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है जो बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी ने विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी चुनाव के लिए 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। सीएम ने इन प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि जन विश्वास के कारण आप सभी की विजय सुनिश्चित है। सीएम योगी ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट के माध्यम से सीएम ने उन सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है जो बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी चुनाव के लिए 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और सीएम ने इन प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाते हुए ट्वीट के माध्यम से कहा कि जन विश्वास के कारण आप सभी की विजय सुनिश्चित है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों को बधाई दी, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है, बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी ने विधान परिषद सदस्य यानी कि एमएलसी चुनाव के लिए 30 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और इस ट्वीट के माध्यम से सीएम ने सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है। टीवी स्क्रीन पे आपके सामने है योगी आदित्यनाथ का ट्वीट जिसमें उन्होंने सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई दी है जो बीजेपी की तरफ से एमएलसी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर आए हुए और इस दौरान वो गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे जहां उन्होंने चिड़ियाघर का निरीक्षण किया और एक पीपल का पेड़ भी रोपा। आपको बता दें कि सीएम योगी यहां से रविवार की शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे, यानी आज के दिन। खबर है कि सीएम योगी लगभग 1 घंटे बाद चिड़ियाघर के से वापस निकलेंगे और इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मेयर सीताराम जायसवाल समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे और इस दौरान वो गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे, चिड़ियाघर का निरीक्षण किया और एक पीपल का पेड़ भी रोपा। खबर है कि सीएम योगी लगभग 1 घंटे चिड़ियाघर घूमे और इस दौरान ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, मेयर सीताराम जायसवाल समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ 4 दिन के दौरे पर गोरखपुर आए हुए थे और इस दौरान गोरखपुर के चिड़ियाघर पहुंचे जहां उन्होंने चिड़ियाघर का निरीक्षण किया। खबर लखनऊ से है जहां राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही उन्होंने टिकट बेचने समेत कई आरोप पार्टी पर लगाए हैं और इसी के साथ गठबंधन पर भी उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में हुए शामिल नेताओं के चुनाव में कोई मदद नहीं ली गई है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने टिकट बेचने समेत कई आरोप पार्टी पर लगाए हैं।
प्रदेश का सियासी पारा उस समय चढ़ गया जब ओम प्रकाश राजभर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबर आपको बताते चले कि सामने आई। वहीं अब राजभर ने खुद बीजेपी गठबंधन में शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है और राजभर ने कहा है कि न मुलाकात हुई न बात हुई, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे और आगे भी रहेंगे। प्रदेश का सियासी पारा उस समय चढ़ गया जब ओम प्रकाश राजभर की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबर सामने आई। ये खबर निराधार है, न हमारी किसी से मुलाकात है, न मैं दिल्ली गया था। सबसे बड़ी बात तो यही है और जो ये खबरें चल रही हैं, इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते। ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की खबरें इस तरह की चलती रहती हैं। कई लोगों का कहना है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है इसके मद्देनजर कहीं ना कहीं तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर के आपको एक बार फिर से साथ में लेना चाहती है, जिसको लेकर वहां पर बैठकें चल रही है, उस बैठक में आप भी मौजूद थे, ऐसा कहना है कई लोगों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो 9 दिन से लखनऊ में ही डटे हुए हैं और 3 दिन तो हम कहीं जाइबा नहीं करते हैं। जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन और 3 दिन हम कहीं नहीं जाते हैं, हम रहते हैं अपने आवास पर। तो लोकसभा चुनाव किसके साथ में लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग हैं और समाजवादी पार्टी के साथ अभी स्थानीय निकाय चुनाव है, उसको लड़ेंगे। लखनऊ में कार डिवाइडर से टकरा गई। दरअसल कार सवार नशे में तेज रफ्तार से कार चला रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन गनीमत यह रही कि कार ड्राइवर को कुछ नहीं हुआ, वहीं अन्य वाहन भी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। लखनऊ में कार डिवाइडर से टकरा गई। लखनऊ में आत्महत्या करने का एक मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि जहां सादतगंज के यसीनगंज क्षेत्र में घरेलू कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगा ली, जिसके बाद परिजनों ने उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ में यह आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां महाराजपुर में गंगा नहाने गए दो युवक और एक किशोरी नदी के तेज बहाव में डूब गए, जबकि 3 अन्य लोगों को ग्रामीणों की मदद से निकाल लिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि नया खेड़ा निवासी रतिराम रायदेव अपने परिवार और कुछ पड़ोसियों के साथ गंगा नदी में नहाने आए, तभी नदी के तेज बहाव के चलते हादसा हो गया। गंगा नदी में डूबी एक किशोरी का शव तो मिल गया है, जबकि नदी में डूबे युवकों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने फिलहाल गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कर दी है। अयोध्या में तारुम थाना क्षेत्र के निवासी सिया राम निषाद की हत्या के बाद निषाद समुदाय में आक्रोश फैला हुआ है। दरअसल आरोप है कि गांव का ही रहने वाला राम स्वार्थ साहू ने कुल्हाड़ी और डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी है, लेकिन 3 दिन बाद बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं जिला पंचायत के सदस्य हरीश चंद्र ने कहा कि अगर आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो निषाद समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। थाना तारुण क्षेत्र के तकमीनगंज गांव में दिन में 3 बजे के आसपास सियाराम निषाद नाम के व्यक्ति, एक राम स्वारत गुप्ता है, उनके घर के बाहर से गुजर रहे थे। राम स्वारत गुप्ता की बूढ़ी माँ चारपाई पर बैठी थी, उन्होंने उनसे अनुरोध किया चारपाई खिसकाने में मदद करने के लिए। सियाराम निषाद मदद कर रहे थे, तभी अनायास राम स्वारत गुप्ता घर से बाहर निकल कर आए, उन्होंने लाठी से डंडे से उनके सर पर वार कर दिया सियाराम निषाद के। सियाराम निषाद को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया दौरान इलाज, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। सियाराम निषाद के परिजनों से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जाए। तो जैसे जब घटना की जानकारी हम लोगों की हुई तो हम लोगों ने यशो साहब से भी बात किया इस टॉपिक को लेकर के, और सैकड़ों की संख्या में समाज के लोग हम लोग पहुँचे वहाँ पर आज। तो वहाँ पर ये स्थिति देखी गई कि गरीब परिवार उसका काफ़ी गरीब है, और उसको जो अभी अफवाह की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक अफवाह बनाई जा रही है कि वो मंदबुद्धि का, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सातिर है, इससे पहले भी एक दो घटनाएँ कर चुका है।
और समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, हम लोगों ने देखा सबके अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से, 24 घंटे से भी अधिक हो गए, उसका भी कोई सुराग नहीं मिला है, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग जो है अंतिम संस्कार नहीं करेंगे शव का, और शव को रख करके हम लोग प्रदर्शन करेंगे। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है, जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरे जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे, मेरे जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं, निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते खबरों में आगे। खबर लखनऊ से है, जहां शहर में कमिश्नरेट और आउटर के थानों की पुलिस ने 48 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद होली महोत्सव का आयोजन किया। वहीं जनता की होली के बाद घर से दूर पुलिस सहकर्मियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और मिठाई खिलाकर होली का आनंद लिया और साथ ही थानों में जमकर अबीर और गुलाल उड़ाए। टीवी स्क्रीन पर भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पे सभी होली का त्योहार मना रहे हैं, सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ के थानों में होली के एक दिन बाद होली मनाई गई। इस दौरान गानों की धुन पर पुलिसकर्मी थाने के अंदर ही डांस करते नजर आए और साथ ही पुलिस वाले एक दूसरे को रंग लगाकर भी होली खेलते नजर आए। ऐसा ही एक नजारा हजरतगंज थाने में भी दिखाई दिया, जहां पर पुलिस ने पहले तो एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेली और फिर जमकर डांस किया। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। होली के माहौल में खुशनुमा नजारा है ये। लखनऊ में
होली और शबे बारात का त्योहार शांति से मनाया गया, जिसके पीछे लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट का बहुत बड़ा योगदान रहा। लखनऊ के चप्पे पर पुलिस तैनात रही, रात के समय जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता नहीं फैले। प्रदेश में शांति से मनाया गया होली। गोरखपुर में इस बार होली का जश्न दोगुना रहा। दरअसल होली के अवसर पर हर साल गोरखपुर में नरसिंह यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस साल योगी की बम्पर जीत से गोरखपुर का जश्न एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी भी इस नरसिंह यात्रा में होली बताते चले होली के दिन खेलते नजर आए। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी लोगों से घिरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जीतकर शपथ ग्रहण की तैयारी कर रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समेत पूरी बीजेपी उत्साहित दिख रही है। होली के इस मौसम में बीजेपी के राजनेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे। गोरखपुर में इस बार होली का जश्न दोगुना रहा। होली के अवसर पर हर साल गोरखपुर में नरसिंह यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस साल योगी की बम्पर जीत से गोरखपुर का जश्न एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री योगी भी नरसिंह यात्रा में होली खेलते हुए नजर आए और साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। कुशीनगर जनपद के पडरौना नगर ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने रंग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया और इस अवसर पर समस्त पदाधिकारियों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और फूलों की होली खेलते हुए रंग उत्सव मनाया। इस दौरान कार्यक्रम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री और जिला अध्यक्ष सचिन चौरसिया ने बताया, होली का पर्व सौहार्द और आपसी भाईचारा रखने का है। लखनऊ में शबे बारात का पर्व पूरी अकीदत के साथ मनाया गया। ये दिन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन अल्लाह आत्माओं को दुनिया में जाने की छूट देता है। लोग इस दिन कब्रिस्तान जाते हैं और अपने पूर्वजों की कब्र पर फूल चढ़ाकर फतीहा पढ़ते हैं। सिया मुसलमानों के लिए ये दिन और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 12 इमाम मेहंदी का यौम फैदाइश भी मनाई जाती है। इमाम बाड़ों दरगाहों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जाता है और महफिल भी आयोजित होती है। वहीं राजधानी लखनऊ में कल रात से कब्रिस्तान जाने का लोगों का सिलसिला शुरू हो गया, जो सुबह तक जारी रहा। आज अपने जो बुज़ुर्ग जिनका इंतकाल हो गया है उनके लिए लोग आते हैं यहाँ पे, अगरबत्ती शमा और फूल चढ़ाते हैं। देख रहे होंगे आप पूरी तादाद के साथ और सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। इनकी तैयारियाँ जो नहीं है, करीब एक हफ्ता पहले से कब्रों की मरम्मत चालू हो जाती है। कुछ लोग अपनी कब्रों को पक्का कराते हैं, कुछ कच्ची ही के ऊपर चूना पुतवाते हैं, तो वो करीब एक हफ्ते से सिलसिला चालू हो जाता है। आज रात भर जो नहीं है पूरा अगरबत्ती शमा फूलों से सजाएंगे कब्रों को और कुरान शरीफ पढ़ेंगे अपने अपने वालदा या वालिद जो भी बुजुर्ग मरे हैं उनकी कब्रों पे। कानपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शबे बारात मनाई और इस दौरान शहर काजी हाफिज कुदुस का कहना है कि शबे बारात के दिन अल्लाह अपने बंदों का हिसाब करता है। लोग रूठे हुए रब को मनाने के लिए पूरी रात इबादत करते हैं और उनका कहना है कि ये वही रात है जिस दिन पूरे साल का हिसाब लिखा करता है। किसको दुनिया में लाना है और किसको दुनिया से उठाना है, सारे दुख दर्द का हिसाब आज ही लिखकर इस दिन किया जाता है। और साथ ही आपको बताते चलें कि ये रोजा फर्ज नहीं है बल्कि नफिल रोजा है। शबे बारात के अगले दिन लोग रोजा रखते हैं, ये रोजा फर्ज नहीं बल्कि नफिल रोजा है। शबे बारात के ठीक 15 दिन के बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाता है।
उसमें तो बस ये है कि शरीय एतबार से कि उसमें इबादत करें, और जो हमारे पुराने लोग दुनिया से जा चुके हैं उनको क्योंकि बख्शे हैं, मफरत की रात होती है, उन्हें तमाम आगे के एक साल के फैसले अल्लाह की जानिब से दिए जाते हैं। फिर हमारे लिए यही है कि हम वहाँ पर इबादत करें, पढ़ें और उनके लिए दुआएं मफरत करें और सहरी करें और रोज़ा रखें। खबर शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र नगर पंचायत से है, जहां पानी की टंकी पर चढ़कर परिवार के कुछ लोगों ने हंगामा किया। बता दें कि परिवार के कुछ लोग पेट्रोल लेकर पानी टंकी पर चढ़े और जान देने की कोशिश की। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो पुलिस से बेहद परेशान है। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे युवक पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये युवक पुलिस से काफी परेशान है और इसलिए ये आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। शाहजहांपुर में देर रात तहसील परिसर में भयंकर आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और तहसील रजिस्ट्री कार्यालय में भयंकर आग लगने से सारे कागजात जलकर राख हो गए। दमकल की गई कई गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। शाहजहांपुर में देर रात तहसील परिसर में भयंकर आग लग गई। टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आग लगता परिसर में आग लगता हुआ आप देख सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।